हेलो दोस्त, आज वो डेट आ गया जिसमें साइको टेस्ट के लिए आपको डिसाइड करना है, देना है या नहीं देना है। 23 जुलाई 2022, जिसमें कर सकते हैं ये टू मेडिकल जिनका नहीं है उनके लिए क्या करना है, ये भी यहाँ पे आ गया। और टाइपिंग स्किल टेस्ट का भी आपको सोचना पड़ेगा कि 30 जुलाई के आसपास ही होगा, थोड़ा नज़दीक में हो जाएगा। तो यानी CPT 2 का रिजल्ट जो लेवल 3, 5 और 2 का है वो भी जल्दी ही अनाउंस हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, कार डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़। और साइको टेस्ट वाले को जिनको थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है कब चीज़ें को, उनके लिए मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में साइको टेस्ट का एक वीडियो ही बना रखा है। टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे तो साइको टेस्ट का वीडियो का प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे 108 वीडियो है जिसमें आप ओपन करेंगे तो बहुत, कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्टेशन मास्टर के रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बनाया था, यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसी तरह से बहुत सारे साइको का टेस्ट है, आप तैयार हो जाइए। उसके बाद अगर बात करेंगे नोटिस की तो नोटिस दो जगह से देख सकते हैं, वेबसाइट पर मैंने भी अपने यहाँ पर लिंक डाल दिया है। यहाँ पर देखिए www.railwaylifelp.com पे यहाँ CBAT का डेट आपका हो गया है 30 जुलाई। इसको आप डायरेक्ट 1 मिनट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं CBAT का। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बदलाव क्या है उसको समझिएगा। साइको का टेस्ट आना तो तय था, इसमें कोई इशू नहीं है, 30 जुलाई को होगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, हालांकि पहले होना चाहिए था, हमें अनुमान था कि जून के लास्ट में हो जाए या 10 तक आ जाए, लेकिन जून के लास्ट में आपके पास डेट आया। लेकिन आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में है, जो थोड़ा सा लग रहा है 15-20 दिन ज़्यादा ले लिया इन्होंने। उसके बाद इसमें आप दूसरी चीज़ देखेंगे, आपका CBAT के साथ आपको एक फॉर्मेट देना है। साइको में जाएंगे तो ये है आपका मेडिकल रिलेटेड फॉर्मेट जो नीचे में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको डिक्लेयर करना है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रैफिक अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के लिए A2 है, जिसका विजन आपका 6x9 और 6x9 विदाउट ग्लास है, यानी ग्लास के साथ नहीं, बिना ग्लास का। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है 2019 की वैकेंसी में। 2022 में हम आज हैं और 2022 में बहुत समय हो गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड मीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लोगों के लिए। तो इसको आपको देने के लिए कलर विजन या वगैरह वगैरह वो भी सही होना चाहिए, आपकी नियर विजन भी सही होने चाहिए विदाउट ग्लास का। तो ये बहुत दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये तो दे दूँगा लेकिन जब मेडिकल फेल होऊंगा तो मुझे अलग वाला पोस्ट मिलेगा क्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेडिकल टेस्ट का ये फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ कहते हैं कि मैं सही हूँ तो बाद में क्या कहेंगे, जब टेस्ट में फेल हो गए तो दिक्कत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, हालांकि ये टेस्ट इसके बिना आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, ये आपको ले ही जाना है आपको डिटेल में। उसके बाद यहाँ देखें एक चीज़ और है कि इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट का, देखिए 30 जुलाई से तो पहले अब टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा, यानी अब टाइपिंग स्किल टेस्ट अगस्त में होगा। अब कहेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट तो कभी भी आ जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और टाइपिंग स्किल टेस्ट जुलाई में ख़त्म हो गया, यानी लगभग लगभग क्लोज हो गया, क्योंकि उसकी रिजल्ट अभी नहीं आई है। और अगर डेट होता तो साइको टेस्ट को 30 जुलाई से पहले ले लेता, इसलिए आप समझिए जुलाई में नहीं अगस्त में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। तो आपके पास कितनी टाइम है, तो आपसे 2-2.5 महीने। तो ये रहा पूरा डिटेल। और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी को बढ़ा दीजिए, CBAT को साइको टेस्ट में आप लग जाइए। 30 जुलाई है, यानी आज के डेट में कहें तो आज 27 जून हो गया, तो आपके पास कितनी टाइम है, करीब करीब 1 मंथ 5-7 दिन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस में लग जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।